साल था 1997। भारत वैश्वीकरण का स्वागत कर चुका था। उसका असर हमारे पैसा खर्च करने के पैटर्न पर दिख रहा था, हमारे सपनों पर दिख रहा था। सपनों को बनाने और उड़ान देने का काम सिनेमा भी करता आया है। मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में एक फिल्म मेकर उसी लिबरलाइजेशन को पर्दे पर दिखाना चाहता था। कैसे उसने इंडियन मिडिल क्लास की उम्मीदों, सपनों को बदल कर रख दिया। उन्हें दिखाया कि वो बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अजीज मिर्जा की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन भी लिबरलाइजेशन का बैकड्रॉप लेकर रची गई कहानी थी। सपनों के शहर में बाहर से आया लड़का जो हर संभव तरीके से अपने ऊंचे ख्वाबों तक पहुंचना चाहता है। शाहरुख खान ने ये किरदार निभाया। उनका काम और फिल्म दोनों खासे पसंद किए गए। अजीज और शाहरुख इससे पहले सर्कस में भी साथ काम कर चुके थे। अब दोनों नई फिल्म लाने जा रहे थे। 18 जुलाई 1997 की तारीख को यस बॉस नाम की फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में 6 गाने थे। जावेद अख्तर ने बोल लिखे और जतिन ललित ने उसके लिए संगीत बनाया। गानों की बात इसलिए क्योंकि उस समय में फिल्में गानों के नाम पर भी बिकती थी। फिल्मों की लंबाई आज की तुलना में ज्यादा होती थी, इसलिए भी फिल्म मेकर्स को ज्यादा गाने डालने को कहा जाता कि इस बीच जनता समोसे लेने बाहर जा सके या वॉशरूम ब्रेक लेकर उठ सके। लोग यस बॉस का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे। 1 घंटे 16 मिनट की फिल्म गुजर जाने के बाद एक गाना आना था। कुछ लोग उठकर बाहर निकलने लगे। चलते चलते देख रहे थे कि पर्दे पर क्या घट रहा है। सफेद कुर्ता पहने शाहरुख शीशे के सामने बैठे हैं, अपने अंदर की धधक को दबाए हुए। सामने रखे चूड़ियों के स्टैंड से एक चूड़ी उतारते हैं, उसे अपने कान पर सजा लेते हैं। उंगली से एक बिंदी उतारकर अपनी आंख के नीचे चिपका लेते हैं। सिंदूर की डिबिया से सिंदूर निकालकर नाक को रंग लेते हैं। उनके हाव भाव जोकर जैसे हो गए हैं। बाहर निकलने के लिए सीट से उठे लोग बाहर नहीं निकल पाए, स्तब्ध रह गए। समझ नहीं पा रहे थे कि उनका हीरो आखिर कर क्या रहा है। शाहरुख ने सिर्फ फिल्म देखने आए लोगों को ही हैरान नहीं किया था, फिल्म के डायरेक्टर अजीज मिर्जा भी उन्हें ऐसा करते देखकर घबरा गए थे। फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर संजय छैल ने एक इंटरव्यू में ये किस्सा सुनाया। शाहरुख का ये सीन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद चूड़ी बजी है गाना आना था। शाहरुख उस गाने से पहले कुछ करना चाहते थे तो वो खुद कैमरे के सामने चूड़ी कान पर पहनने लगे, सिंदूर लगाने लगे। सेट पर मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अजीज और संजय भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन शाहरुख ऐसा कुछ करना चाहते थे। उन्होंने इस सीन को चमकाने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। सबकी राय के विपरीत जाते हुए ये सीन किया। फिल्म के एकदम मिडिल में ये सीन आता है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी बहुत कुछ घटता है, फिल्म में भी और उसे बनाने वालों के साथ भी। शाहरुख खान और जूही चावला की हिट फिल्म यस बॉस के कुछ सुने, अनसुने और कम सुने किस्सों के बारे में आपको बताएंगे। यस बॉस का पहला गाना था चांद तारे, वो गाना जिसकी धुन बनाने में जतिन ललित को 20 दिन लग गए, वो गाना जो इस जेनरेशन तक को महत्वाकांक्षा का आइडिया बेच रहा है। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने ने उन पर गहरा असर छोड़ा था। खैर, इस गाने में एक घर नजर आता है जब शाहरुख चार्ली चैपलिन की तरह एक गाड़ी पर जंप करते हैं, सामने बोल रहे होते हैं यार तू भी सुन जरा। बैकग्राउंड में जो सफेद मटमैली बिल्डिंग दिख रही होती है उसका नाम था विला वेना। यस बॉस ऐसी पहली फिल्म नहीं थी जहां वो घर दिखा हो। 1988 में अनिल कपूर की फिल्म आई तेजाब, उसमें एक गाना था एक दो दिन, माधुरी वाला वर्जन नहीं अनिल कपूर वाला। उसकी शूटिंग भी विला वेना के सामने ही हुई। फिर उसके 4 साल बाद जैकी श्रॉफ की फिल्म अंगार आई, वहां भी उस बिल्डिंग को खूब यूज किया गया। कहा जाता है कि जब शाहरुख यस बॉस की शूटिंग कर रहे थे तब उनकी इस घर पर नजर पड़ी। वो इसे खरीदने का मन बना चुके थे लेकिन तब इतने पैसे नहीं थे। ये पैसे रेडी हुए फिल्म आने के 4 साल बाद। साल 2001 में शाहरुख ने विला वेना को खरीद लिया। housing.com की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने करीब 13 करोड़ रुपए में ये घर खरीदा। साल 2005 में जाकर इसका नाम मन्नत पड़ा। शाहरुख अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहते हैं कि चाहे वो भविष्य में कितनी भी तंगहाली में आ जाएं, वो कभी भी मन्नत नहीं बेचेंगे। 90s वो दौर था जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर राइटर को अपने ऑफिस बुलाते, उसके हाथ में किसी हॉलीवुड फिल्म की DVD थमा देते और कहते कि इसे कागज पर छाप डालो। दीपक तिजोरी भी अब्बास मुस्तन के पास किसी हॉलीवुड फिल्म की DVD लेकर गए थे और ऐसे बनी थी बाजीगर। खैर, यस बॉस का भी हॉलीवुड कनेक्शन निकलता है। कई जगह पढ़ने को मिलता है कि ये फॉर लव और मनी नाम की हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित है, लेकिन ऐसा नहीं है।
फिल्म के डायरेक्टर अजीज मिर्जा ने रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई साल पहले फिल्म का आइडिया आया था। वो बिली वाइल्डर की क्लासिक फिल्म द अपार्टमेंट देखने गए थे। फिल्म उन्हें बहुत अच्छी लगी, खासतौर पर जैक लेमन का किरदार। उन्हीं से उन्हें शाहरुख के कैरेक्टर राहुल की इंस्पिरेशन मिली थी। हालांकि अजीज का कहना है कि उन्होंने एक भी सीन हॉलीवुड फिल्म से नहीं उठाया है। यस बॉस में शाहरुख, जूही चावला और आदित्य पंचोली ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। उनके अलावा फिल्म में कश्मीरा शाह और गुलशन ग्रोवर भी थे, दोनों भाई बहन के किरदार में। एक दिन गुलशन शाहरुख के साथ शूट कर रहे थे, एक किस्म की कश्मकश से जूझ रहे थे। उन्हें हॉलीवुड फिल्म द सेकेंड जंगल बुक मोगली एंड बल्लू ऑफर हुई थी। मेकर्स चाहते थे कि गुलशन उनकी फिल्म के बैडमैन बने। उनके पास आखिरी मौका था अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म साइन करने का। उन्होंने शाहरुख को ये सारी कहानी बताई। शाहरुख का कहना था कि दिक्कत क्या है, जाओ और फिल्म शूट करो। गुलशन को डर था कि यस बॉस की चलती हुई शूटिंग से जाएंगे तो अजीज मिर्जा बिगड़ेंगे, प्रोड्यूसर पैसे काट लेगा, उन पर केस ठोक देंगे। शाहरुख का साफ कहना था, तू जाओ, अगर तेरे को किसी का फोन आया भी तो तू मुझे आकर पकड़ लेना, यहां मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू हॉलीवुड फिल्म कर और हम सबका नाम ऊंचा कर। गुलशन ग्रोवर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि उनके हॉलीवुड करियर का पूरा श्रेय शाहरुख खान को जाता है। अगर वो उस रात गुलशन को फ्लाइट लेने को नहीं कहते तो आज कहानी कुछ और होती। साल 1997 शाहरुख खान का साल था। उनकी चार फिल्में रिलीज हुई, यस बॉस, कोयला, परदेश और दिल तो पागल है। सभी को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिर भी एक बात शाहरुख को अंदर ही अंदर चुभ रही थी। उनके किरदार को मीडिया ने ग्लोरिफाइड पिंप कहा था, यानी ऐसा दलाल जिसका महिमा मंडन किया गया हो। ये बात यस बॉस में उनके कैरेक्टर राहुल के लिए कही गई। राहुल अपने बॉस की जी हुजूरी करता है, उसे लालच है अपनी एड एजेंसी का, उसके चलते वो बॉस की हर गलती पर पर्दा डालता है, चाहे वो उसका अफेयर छुपाना हो या दूसरी लड़की को धोखा देना। शाहरुख के एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया गया कि उन्हें उनके कैरेक्टर को दलाल कहने पर कैसा लगता है। इस पर शाहरुख ने लंबा चौड़ा जवाब दिया जो उनकी नाराजगी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, अगर मैं एक लड़की को छत से धक्का दे सकता हूं तो दलाल का किरदार क्यों नहीं निभा सकता। हम में से कौन दलाल नहीं है? अगर आप मदर टेरेसा नहीं हो तो आप अपने लिए ही जी रहे हो। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता कि एक 25 साल का लड़का दुनिया जीतने का ख्वाब रखता है। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, राहुल भी यही चाहता है। वो अमीर बनना चाहता है, अपनी पसंद की लड़की चाहिए, लेकिन फिर तय करता है कि उसे पैसा चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ईमानदार फैसला था। हम सभी ऐसे फैसले लेते हैं, बस उन्हें कबूल नहीं करते। मैंने सिर्फ ईमानदारी को ग्लोरीफाई किया। मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया जो फिल्म की शुरुआत में कॉलेज जाती लड़कियों को छेड़े और एंड तक देश के लिए शहीद हो जाए। शाहरुख ने कहा कि राहुल का किरदार अजीज मिर्जा पर आधारित था। अजीज और वो नहीं मानते कि वो एक दलाल था। उनका कहना था कि राहुल ने गलत रास्ता भले ही चुना, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं था। यस बॉस अपने म्यूजिक, अजीज मिर्जा, शाहरुख और जूही चावला की वजह से क्लासिक फिल्म में तब्दील हो गई। आपने यस बॉस देखी है? आपको कैसी लगी? आपका शाहरुख के किरदार पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा। सिनेमा जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।